तो आज का जावा स्क्रिप्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली शुरू करते हैं डायरेक्ट फंक्शन। अच्छा फंक्शन क्या होता है, देखो मैं इतना ये बुकिस बातें नहीं बोलने वाला हूँ, किताब की बातें, जिसमें डायरेक्ट तुमको प्रैक्टिकली समझाऊंगा इस चीज़ों को। जैसे देखो, जैसे मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक कुछ कोड लिखा मैंने जावा स्क्रिप्ट का, जैसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। समझ लो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, जैसे मैंने लिखा वेलकम, सॉरी वेलकम टू, सपोज मैं यहाँ पे इसको तीन बार टाइप करता हूँ ताकि समझ में आए कौन सा तुम्हारा। तो मैंने ये br टैग लगा दिया और इसी को मैं यहाँ पे तीन बार टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, दो बार तीन बार। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, इस बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा कॉम, ठीक है। तो मैंने ये तीन मुझे जस्ट सिंपली क्या करना है, ये मुझे प्रिंट करवाना है, ये मुझे ब्राउज़र में शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहे हो तुम वेलकम टू डाटा कॉम, इस तरह का मैसेज आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो कोड है, मेरा कोड में बार बार ये पर्टिकुलर ये तीन जो वर्ड है मुझे बार बार इसको प्रिंट कराने का। रिज्यूम कर लो कि ये तीनों वर्ड मुझे अपना कोडिंग पे बार बार, अपना प्रोग्राम पे बार बार मुझे इसको रीयूज़ करने का ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार इसको लिखा, फिर से मुझे ये तीनों वर्ड एक बार प्रिंट कराने का ज़रूरत पड़ा। तो हम लोग क्या, मैं क्या करूँगा, फिर से इसको कॉपी करूँगा, फिर से कॉपी करते हुए फिर से मैं इस तरह से इसको पेस्ट करूँगा, फिर से मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से मैं वही ये तीनों लाइन को फिर से कॉपी करूँगा और फिर से मैं पेस्ट करूँगा। तो ये मतलब कोड जो रीयूजेबिलिटी का बात हो रहा है, देखो बार बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने मुझे इसको बार बार प्रिंट करना है, समझ लो ये मेरा ज़रूरत है यहाँ पे। तो जो कोड रीयूजेबिलिटी का बात है, यहाँ पे होता क्या है कि सेम सेट ऑफ कोड को अगर मुझे बार बार ज़रूरत पड़ रहा हो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो टास्क है उसको मुझे बार बार करने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ताकि फंक्शन जब होता है, क्या होता है, फंक्शन के मदद से हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी का जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अभी जैसे देखो मुझे ये तीन बार प्रिंट, ये तीनों वर्ड एक बार मैंने प्रिंट किया, फिर प्रिंट करना पड़ रहा है, मैंने फिर से लिखा, फिर से प्रिंट करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे बार बार इस तरह का ये इतना लंबा सा मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, और एक ही फंक्शन का कॉन्सेप्ट में कैसे देखो इसको रीयूज़ कर सकता हूँ मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो ऊपर का तीन पार्ट, ये सब मैं यहाँ से पहले, तो मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सब पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी पहले मैंने तीनों को ही मैंने कमेंट कर दिया। चलो तो मैं सबसे पहले तुमको ये सिखाता हूँ यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कैसे यहाँ पे डिफाइन करना है, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, और फंक्शन का कोडिंग कैसे करना है। सबसे पहले तुमको जो लिखना है फंक्शन, तुमको टाइप करना होगा यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन लिखना होगा। उसके बाद तुम पहले तो तुमको फंक्शन लिखना ही होगा, पहला बात ये हो गया। उसके बाद तुमको क्या फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नेम क्या होगा, तुमको नेम यहाँ पे डिफाइन करना है, बोलना है। जैसे मैंने नेम बोला शो, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ध्यान रखना फंक्शन का जब नेम असाइन करोगे वो तुम मैं वहाँ पर कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, जस्ट पहले तो मैं पूरा सिंटेक्स उनको बोल दूँ। ये हो गया फंक्शन का पूरा, फंक्शन डिक्लेयर का, फंक्शन डेफिनेशन पे हमें मतलब ये जो हो गया यहाँ पे हम लोग फंक्शन का, ये फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर मतलब ये फंक्शन का नेम हो गया, ये तुम्हारा ये जो है कर्ली ब्रैकेट तुम यहाँ पे दिख रहे हो, या फंक्शन का बॉडी हो गया, मतलब इसी के अंदर हम लोग जो भी कोड होगा इसी के अंदर लिखेंगे, फंक्शन के लिए जो भी कोड होगा इस कर्ली ब्रैकेट कर्ली जो ब्रेसेस है इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखने का एक पूरा सिंटेक्स हो गया, बेसिक सिंटेक्स। अच्छा यहाँ पे फंक्शन का जो नेम होता है, ध्यान रखना फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना फंक्शन का नेम तुम स्पेस कहीं मत देना। जैसे मैंने लिखा शो डाटा, ये गलत होगा, ये फंक्शन का नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता है। हाँ तुम यहाँ पे अंडरस्कोर या तो हाइफन लगा सकते हो, इज पॉसिबल, बट स्पेस नहीं देना, ठीक है। एंड फंक्शन का नेम तुम कैमल केस में यूज़ कर सकते, कैमल केस मतलब इस तरह का, जैसे मैंने शो लिखा और ये डी डी को मैंने बड़ा कर दिया, तो इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। तो ये भी तुम यूज़ कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलो मैंने जस्ट फंक्शन का नाम रखा शो डाटा, अभी तुम कुछ भी रख सकते हो नाम अपने हिसाब से, बस यही चीज़ ध्यान रखना कि स्पेस नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस तुमको दिख रहा है ये तुमको देना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसी के अंदर हम लोग फंक्शन का बॉडी होगा, ये फंक्शन का बॉडी होगा, इसी के अंदर हम लोग फंक्शन का कोड लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ, मैं जस्ट यही जो मैंने फंक्शन का कोड मेरे लिए क्या होगा, समझ लो ये जो मैंने तो थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिखा था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हुए पहले तो मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर लूँ, और बाद में यहाँ से इसको कट करके मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं समझ लो कि ये मेरे लिए फंक्शन का बॉडी होगा, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का बॉडी, और फंक्शन का बॉडी में तुमको जो भी कोड लिखना है तुम लिख सकते हो। तो चलो ये हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन क्रिएट भी कर लिया हम लोग यहाँ पे, फंक्शन का ये हो गया बॉडी, फंक्शन का ये हो गया नेम,
और अभी क्या करेंगे, इस फंक्शन को, इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं। तो जब रन करेंगे तो होगा क्या, मतलब प्रिंट होना चाहिए वेलकम टू डाटा कॉम, ये होना चाहिए कि नहीं। चलो मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये तो हो गया जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन फंक्शन का अंदर का जो भी कोड है उसको अगर तुमको एग्जीक्यूट कराना है, उसको अगर तुमको रन करवाना है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जस्ट फंक्शन को बनाया गया है लेकिन फंक्शन को अभी क्या करना है, कॉल। तो कॉल करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे जस्ट फंक्शन का नेम टाइप करना है, जैसे फंक्शन का नेम क्या है, शो डाटा, बस इतना सा ही काम करना है तुमको, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी जब फंक्शन कॉल होगा तभी जाके फंक्शन का अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस बार हम लोग चलो फंक्शन को कॉल करके एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखो फंक्शन का अंदर का जो भी बॉडी में जो भी कोड लिखा गया है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पर रन हो रहा है। तो ये होता है फंक्शन लिखने का तरीका, फंक्शन बनाने का तरीका, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, जस्ट फंक्शन कीवर्ड लिखना है और फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस उसके बाद तुमको ये पैरेंथेसिस का सिंबल देना है। ध्यान रखना यही इंडिकेट करता है कि तुम्हारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन कीवर्ड और ये सिंबल, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर एक भी थोड़ा तुम सिंबल मिस करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेस है ये फंक्शन का बॉडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम शोटा है, जो कि तुम्हारा जस्ट सिंपली तीन वर्ड को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला था तुम्हारा, क्या बोला था मैंने कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, तो यहाँ पे जैसे मान लो बार बार मुझे ये तीन सेट ऑफ लाइन मुझे बार बार मुझे प्रिंट करने का जरूरत पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से लिखूंगा क्या, नहीं। मैंने क्योंकि इस बार मैं पांच फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या है, मुझे बार बार तीनों को लिखने की जरूरत नहीं। मैं एक बार फिर से फंक्शन को कॉल कर दूंगा, उसी फंक्शन को मैं अगर फिर से कॉल कर दिया तो फिर से ये तीनों प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं इसको सेव करता हूँ, और मैंने दो बार कर दिया कॉल कर दिया तो दो बार प्रिंट हो गया, और एक बार प्रिंट कर कॉल करूँगा तो मैं जितना बार इसको कॉल करूँगा उतना वो प्रिंट होता जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे कोड रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसी कोड को बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये सारे रिक्वायरमेंट आता है हम लोगों को, और नॉट ओनली सिर्फ जिस ये पर्पज़ ही नहीं है, उसका और भी पर्पज़ है फंक्शन का, जिसमें हम लोग क्योंकि फंक्शन की मदद से हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो एप्लीकेशन होगा, उसको हम लोग कुछ चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि बाद में उसका जो भी मैंने कोडिंग लिखा है उसको मुझे समझने में आसान हो, उसका मैनेज करने में आसान हो, उसको बाद में मॉडिफाई करने में आसान हो, बहुत सारा चीज़ें होता है फंक्शन का फ़ायदा होता है। तो चलो हम लोग फंक्शन कैसे बनाया जाता है, फंक्शन कैसे लिखना पड़ता है, यहाँ पे जावा किस में जावा स्क्रिप्ट में, वो हम लोगों ने समझ लिया, अभी हम लोग आगे चलते हैं। चलो तो ये तो एकदम बेसिक बात हो गया। तो फंक्शन जो है, फंक्शन के थ्रू हम लोग कुछ भी यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, फंक्शन के थ्रू हम लोग जस्ट तीन मतलब जस्ट हम लोग कुछ वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो समझ लो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको मैं यहाँ से ये वाला पढ़ मैं यहाँ से ले करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी, यहाँ तक समझ में आ चुका है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुका है। अगला जो है ये जो देखो फंक्शन विथ, अगला जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो गया फंक्शन विथ पैरामीटर। ये कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन विथ पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग समझते हैं। पैरामीटर मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है पैरेंथेसिस, ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे दो तुम्हारा ये राउंड ब्रैकेट से, इसके अंदर अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम असाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया ए कॉमा, मैंने ए कॉमा, या तो मैं सिर्फ एक नाम दे रहा हूँ ए, तो ए क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पैरामीटर बोला गया, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो ये नथिंग बट वेरिएबल, पैरामीटर मतलब नथिंग बट वेरिएबल का नेम हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ए, इसका मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल है। अच्छा, जब और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी यहाँ पे फिर से मैं डॉक्यूमेंट दैट टाइप में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे टाइप करता हूँ, और ये जो है उसी जो वेरिएबल, वो जो वेरिएबल जो पैरामीटर में जो भी वेरिएबल है उसी को मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक बात तुमको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो वेरिएबल मैंने जो लिखा ए, इसमें तो कोई वैल्यू स्टोर है ही नहीं, तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो जैसे तुम लोग को लास्ट टाइम शायद याद होगा, हम लोग जब किसी वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो एज ए वो उसका एक अलग सा डाटा टाइप ही होता है, वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें वो फंक्शन विद पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले विदाउट पैरामीटर था, अभी हम लोग फंक्शन विद पैरामीटर कैसे होता है उसको समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी फंक्शन विद पैरामीटर मतलब वही बात है, तुम जस्ट वेरिएबल का नाम टाइप कर दो और उसी वेरिएबल को तुम फंक्शन का जो बॉडी है उसमें तुम इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, मतलब अभी देखते हैं इसको हम लोग रन करते हैं। एक बार मैं इसको रन करता हूँ और रन करके मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, इसका मतलब क्या है, जो ए जो वेरिएबल है इसमें कोई वैल्यू असाइंड है ही नहीं, इसीलिए क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। अच्छा, अभी
लेकिन एक्चुअल तरीका ये नहीं है। जब हम लोग फंक्शन का फंक्शन में जब कोई जब भी तुम्हारा फंक्शन में पैरामीटर होता है, मतलब इस तरह का ग्राउंड ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल होता है, तो तुमको करना क्या पड़ता है, कॉल। जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। कॉल करने का मतलब क्या है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, रन करवाना है, ठीक है। तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये हम लोग को देखना होता है कि फंक्शन में पैरामीटर है कि नहीं। अगर फंक्शन में पैरामीटर है तो हम लोग को उस पैरामीटर मतलब उस वेरिएबल के लिए कॉलिंग के टाइम में वैल्यू पास करना होता है। अगर पास नहीं करेंगे तो इस मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू मैंने पास नहीं किया तो इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करते हुए क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, समझ लो 23 टाइप कर दिया। तो तुम जो भी टाइप करो यहाँ पे, चाहे स्ट्रिंग करो, चाहे इंटीजर करो, चाहे फ्लोट करो, कुछ भी करो, वो वैल्यू तुम्हारा पास हो जाएगा। कहाँ तक, फंक्शन तक। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम लोग आर्गुमेंट एज ए वैल्यू के हिसाब से पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया फंक्शन को पैरामीटर में एज ए वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू मैंने पास कर दिया, ये भी पॉसिबल है। और आर्गुमेंट हमको हम लोग एज ए वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, थोड़ा उसमें बाद में आऊँगा, पहले ये समझ लो वैल्यू। तो मैंने ये जो है ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट मतलब क्या वैल्यू होगा इस वेरिएबल के लिए, क्या वैल्यू होगा। तो मैंने वैल्यू क्या दिया, 23, जो कि जब हम लोग कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जब कॉल करेंगे तो ये वैल्यू आके यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और वही वैल्यू हम लोग जहाँ पे भी उसी वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बॉडी में जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं वो वैल्यू वहाँ पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कॉल करते तो वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 23 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको हम लोग इसको एक बार रन करते देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 23। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम यहाँ पे जो भी पास करो वो यहाँ पे पास होगा, और वही तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब वही उसका जो उसमें जो स्टोर वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 23 जैसे मैंने 4 पास कर दिया, जो भी तुम पास करोगे, अभी मैंने फ्लोट पास कर दिया, यहाँ पे फ्लोट पास किया तो वो भी वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ, जैसे डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा डबल डाटा कॉम, तो मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करते हुए रीलोड कर दूँ, कोई डाटा कॉम यहाँ पे आगे प्रिंट हो गया, मतलब ये यहाँ पे प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने। और मतलब क्या है, ये जो है इसमें क्या आ रहा है, डाटा कॉम वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए प्रिंट हो जा रहा है। तो बात यही है, मतलब हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, फंक्शन के बॉडी तक हम लोग, तो फंक्शन तक हम लोग वैल्यू पास करा सकते हैं ये पैरामीटर एंड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या है, नथिंग बट वेरिएबल है, और आर्गुमेंट मतलब उसके लिए जो वैल्यू पास करते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट एज ए वैल्यू पास कर सकते हैं या तो एज ए वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हम टाइप कर रहे हैं ये डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं समझ लो कि अभी टाइप कर दिया बी क्या है, बी एक वेरिएबल है। तो इस बार मैं क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे बी पास कर रहा हूँ, और बी क्या है, बी एक वेरिएबल है, बी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिंगल लेटर, हाँ अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो ये वैल्यू है, क्योंकि 76 ही वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, तुमको पता है। लेकिन अगर कोई इस तरह से मैं लेटर अगर मैं इस तरह से बिना डबल कोट्स का लिखूँ तो वो क्या होगा, एक तो वेरिएबल ही होगा ना। तो मैंने समझ लो यहाँ पे एक वेरिएबल का टाइप कर दिया बी, अभी बी क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या पास होगा, बी पास होगा, और बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। चलो इस बार क्या आउटपुट आएगा, या इस बार तुम्हारा देखो ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बी जो वेरिएबल है, बी वेरिएबल का हम लोगों ने तो पहले डिफाइन किया ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे लिखने से नहीं होगा, तो पहले बी वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो चलो हम लोग पहले बी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल बी इक्वल टू मैंने लिखा 23, ठीक है। तो मैंने पहले वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, कौन सा वेरिएबल को, बी वेरिएबल को, और उसी बी वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो देखो इस बार हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करके इसको रिलोड करते हैं, देखो यहाँ पे 23 आ रहा है, इस बार कोई एरर नहीं आ रहा, और 23 रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग जो आर्गुमेंट में वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, और वैल्यू को भी डायरेक्ट पास कर सकते हैं। वैल्यू कौन सा है, ये, और वेरिएबल कौन सा है, ये। तो तुम चाहे तो इसको पास कर सकते हो, या तो डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू दे दिया 24, तो थोड़ा देर पहले मैं तुमको दिखाया था वो क्या होता है, जैसे ये 24 आ गया। तो इस तरह से हम लोग पास कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो बात हो गया। सेकंड बात ये है कि हम लोग आर्गुमेंट पैरामीटर, हम लोग मल्टीपल पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि पैरामीटर एक ही होता है, हम लोग मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं। जैसे कॉमा देते हुए मैंने समझ लो कि यहाँ पे मैंने समझ लो मैंने लिखा यहाँ पे एफ नेम एक पैरामीटर ले लिया, और फिर मैंने ले लिया एल नेम, एल मतलब एल नेम, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, मैंने एफ नेम एल नेम मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नाम हिसाब से मैंने एक दो पैरामीटर मैंने ले लिया, मतलब दो वेरिएबल है। अच्छा, अभी क्या होगा, तो इस एफ नेम के लिए मुझे वैल्यू पास करना, मतलब जब हम लोग कॉल करेंगे तो इसके लिए वैल्यू पास करना होगा, और इसके लिए वैल्यू पास करना होगा। और अगर वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वहाँ पे उसमें क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। जैसे मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे एफ नेम करता हूँ, और फिर यहाँ पे क्या है, दो है, एफ नेम एंड एल नेम, तो मैं एल नेम करता हूँ,
तो चलो पहले मैं कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कोई बिना वैल्यू पास किए मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं, इसको मैं ऐसे डिलीट करता हूँ। बिना कोई वैल्यू पास करते हुए मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखते हूँ क्या होता है हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू पास नहीं किया यहाँ पे इसीलिए। अच्छा ये इसको इस तरह से नहीं, हम लोग मैं डायरेक्ट पहले तो तुमको इस तरह से दिखा दूँ मैं, ये अभी मैं सिंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से अभी सिंगल ले लूँ, बाद में इसको मैं डबल, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया सॉरी, यहाँ पे मैं ये कर दिया। और ये क्यों ना आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, मैं सॉरी ये सिंगल लेके मैं दिखाता हूँ। मैं पहले मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने वैल्यू पास नहीं किया इसलिए ये क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँ, वैसे मैंने एफ नेम के लिए मैंने एक वैल्यू पास की, जैसे मैंने दे दिया राहुल, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया राहुल। तो चलो देखते हैं क्या होता है, अभी यहाँ पे ये राहुल प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जैसे मैं बोला कि हम लोग एक्चुअली अभी क्या कर रहे थे, मल्टीपल पैरामीटर का बात बोल रहे, तो यहाँ पे जैसे मैंने एफ नेम एक पैरामीटर ले लिया और एक मैंने ले लिया एल नेम नाम से एक पैरामीटर ले लिया, तो मेरे पास दो पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्या होगा एफ नेम, अभी देखो यहाँ पे एफ नेम तो प्रिंट होगा और मैं यहाँ पे करता हूँ एल नेम, मुझे दोनों ही प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे रीलोड करता हूँ इसको, देखो पहले एफ नेम के लिए क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है, और एल नेम के लिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि एल नेम के लिए मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया। तो वो जैसे थोड़ा देर मैंने पहले बोला था, अगर वैल्यू पास नहीं करोगे तो उसके साथ उसके जगह पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। हाँ अगर मैं यहाँ पे, तो होता ये है कि जब भी हमारा यहाँ पे जो फंक्शन में जो जितना भी पैरामीटर होता है उस उतना पैरामीटर के लिए हम लोग को उतना वैल्यू पास करना होता है, नहीं करेंगे तो इस तरह से अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। चलो मैं एल नेम के लिए भी एक तो कॉमा देते हुए, अच्छा मल्टीपल पैरामीटर तुम कैसे यूज़ करोगे, सिंपली वेरिएबल नाम दे दो, कॉमा सेपरेट तुम वेरिएबल का नाम लिख दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा मल्टीपल पैरामीटर। तो वैल्यू जब पास करेंगे उसके लिए भी यही फॉर्मेट फॉलो करना है, कॉमा सेपरेट करते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया राहुल कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये दो वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल में पास हो जाएगा, दोनों पैरामीटर में पास होगा, और वही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार सेव करते हुए यहाँ पे एक बार रन करके दिखा दूँ, तो देखो यहाँ पे राहुल कुमार, बीच में अगर तुमको स्पेस चाहिए तो तुम यहाँ पे कॉन्केटनेट वाला यूज़ कॉन्सेप्ट यूज़ कर दो प्लस, ठीक है, और ये फ्री मैंने स्पेस लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको स्पेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ, तो ये हो गया राहुल कुमार, तो ये वाला बात हो गया। अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे मल्टीपल पैरामीटर लिया, ठीक है, तो तुम जितना चाहे पैरामीटर यहाँ पे ले सकते हो, मैंने दो लिया, तुम और भी यहाँ पे पैरामीटर लेते हुए उसका वैल्यू पास करा सकते हो, उसके लिए तुम वैल्यू पास करा सकते हो। एक बात है, अभी समझ लो जैसे मैंने जब फंक्शन को कॉल किया और मैंने वैल्यू पास नहीं किया, तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि तो क्या होगा, फाइनली वैल्यू पास नहीं होगा तो अनडिफाइंड आएगा ना, तो ये तो कॉमन बात है, ये तो ये तो कभी कभी ऐसा होता है अनडिफाइंड आ रहा है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम लोग वैल्यू पास नहीं करते हैं और ऐसा रह जाता है, गलती से भी हो सकता है कि किसी फंक्शन को कॉल कर दिया गया उसका वैल्यू पास नहीं करवाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी हो तो कि मतलब जिस फंक्शन को हम लोग कॉल करें उसका अगर उसका पैरामीटर है तो उसको वैल्यू पास कराना जरूरी है, मतलब नहीं तो अनडिफाइंड आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का मतलब तुम्हारा जो ब्रो तुमको आउटपुट में इस तरह का तुमको ना दिखे, ये अनडिफाइंड वाला सेंटेंस चीज़ ना दिखे, मतलब ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुमने वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के टाइम में वैल्यू पास भी नहीं किया और तुमको चाहिए कि इस तरह का अनडिफाइंड भी ना शो हो, तो तुम एक काम कर सकते हो, ये जो पैरामीटर है, ये जो वेरिएबल है, इसके लिए तुम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ताकि एक डिफॉल्ट में एक डिफॉल्ट कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ आ जाए लेकिन अनडिफाइंड ना आए, क्योंकि उसमें तो थोड़ा ख़राब दिखता है, वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में भी उसे वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो तुम चाहते हो कि मेरा जो वेरिएबल है उसमें कुछ डिफॉल्ट अगर वैल्यू पास ना करे तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वैल्यू तो पास नहीं करेंगे लेकिन इसके लिए अनडिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड लिखा हुआ ना हो, कुछ दूसरा लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग जो पैरामीटर है उसी में हम लोग इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर देते हुए उसका वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देंगे अगर कुछ वैल्यू ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे ऐसे ही मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट, मैंने योर, मैंने इसे लिख दिया योर, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया टाइप योर वाई ओ यू आर योर नेम, ओके सॉरी ये कहाँ गया, हाँ जैसे मैंने इसमें मैंने ये वाला मैंने मैसेज मतलब स्ट्रिंग सेट कर दिया और इसमें मैंने ये वाला स्ट्रिंग मतलब वैल्यू सेट कर दिया, समझ लो उसमें मतलब उस वेरिएबल में इस पैरामीटर मैंने पैरामीटर के लिए मैंने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया और इस पैरामीटर के लिए मैंने ये वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। तो एक बार इसको हम लोग रन कराते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लेकिन वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलिंग के टाइम में वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, और इसका मतलब क्या है, जब इस तरह से कॉलिंग के टाइम में वैल्यू पास नहीं करोगे तो यहाँ पे जो भी टाइप कर दोगे असाइन कर दोगे वही डिफॉल्ट में आ जाएगा। इसको रन करा, देखो टाइप योर नेम वही आ गया, मतलब जो मैंने यहाँ पे सेट किया वही आ गया। तो गलती से अगर किसी ने पास नहीं भी किया तो ये आ जाएगा, लेकिन अनडिफाइंड ना आए तो खराब दिखता है। हाँ अगर कोई वैल्यू पास कर दे तो ये रहना, तो इसमें कोई इसमें तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर कोई किसी ने वैल्यू पास कर दिया तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ये टाइप ये प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे मुझे समझ लो, जैसे मैंने फिर से टाइप कर दिया
फिर से मैंने टाइप किया रहा, ठीक है, एंड क्या देना है मुझे, दो वैल्यू देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेका, ठीक है, राजू डेका। तो चलो इसको मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करते हुए फिर से इसको रिलोड करता हूँ। तो देखो ये राजू डेका रहा है, ये पिन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू पास कर दिया। वैल्यू पास करोगे ना ये इसको अवॉइड कर जाएगा, ठीक है। अगर अगर तुमको चाहिए कि डिफॉल्ट आना है तो इस तरह से तुमको टाइप कर देना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पैरामीटर का, फंक्शन विद पैरामीटर का, जहाँ पे हम लोग फंक्शन विद पैरामीटर में फंक्शन के लिए वैल्यू पास करते हैं। और जैसे मैंने बोला तुम डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो या तो वेरिएबल पास कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखता हूँ, फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से हटाता हूँ। जैसे मैंने दो वेरिएबल ले लिया ए और बी नाम से, मैंने दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ए और बी नाम से मैंने दो वेरिएबल ले लिया। और ये दो, अच्छा अभी इन दो वेरिएबल के लिए मुझे वैल्यू पास करना है कॉलिंग के टाइम में। मुझे वैल्यू क्या पास करना है, देखो वैल्यू वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वैल्यू मैं खुद असाइन ना करूँ, जो कोडिंग कर रहा है जो प्रोग्रामर है वो वैल्यू असाइन ना करे, वैल्यू यूज़र से लिया जाए, ठीक है। क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पास नहीं करते हैं, वैल्यू हम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस फंक्शन का मैंने नाम दे दिया सम फंक्शन, और मैं यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब मैं मुझे दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाना है, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे वैल्यू सेंड करना है दोनों वैल्यू वेरिएबल के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं करता हूँ ए प्लस बी कर देता हूँ, मतलब ए और बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा प्लस, ए और बी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा अभी तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू पास, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये दोनों वेरिएबल के लिए वैल्यू पास करूँगा। फिलहाल मुझे वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पास नहीं करना है, जैसे मैंने बोला हम लोग वैल्यू यूज़र से लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल पास कर देंगे, क्योंकि आर्गूमेंट हम लोग एज ए वैल्यू भी पास कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल पास कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई देते हुए दो वेरिएबल पास करूँ, लेकिन एक्स एंड वाई क्या है उसको तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो चलो हम लोग एक्स एंड वाई को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहले भार एक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और फिर भार वाई नाम से मैंने और एक वेरिएबल ले लिया। अच्छा अभी ये भार एक्स में वैल्यू असाइन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू हम लोग नहीं देंगे, यूज़र से लिया जाएगा। तो तुम लोग को पता है, जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, कौन सा, क्या तुम लोग को पता है ना कौन सा हम लोग मैसेज बॉक्स यूज़ करते हैं वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, कोई बोल सकता है? मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम तीन तरह का मतलब ये ब्राउज़र में तीन तरह का तुम लोग को मैंने पॉपअप बॉक्स शो कराने के लिए मैंने सिखाया था, बोल सकते हो कोई कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे अभी? ओके फाइन गुड, प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रॉम्प्ट वाला हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और यहाँ से यूज़र से मांगा जाएगा, जैसे कि एंटर द मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर तुम जो भी लिखो वहाँ पे शो हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं ये करता हूँ यहाँ पे और बस। हाँ तो जो भी वैल्यू आएगा वो ये एक्स वेरिएबल पे आके असाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग यूज़र से और एक वेरिएबल लेंगे जो कि तुम्हारा यहाँ पे हम लोग वाई में इसमें असाइन करेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। चलो हाँ, तो मैंने दो क्या हो रहा भाई, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया, ये थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया एक्स एंड वाई, और उसमें जो भी वैल्यू आएगा वो मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ठीक है, एंड फिर वही वेरिएबल को मैं पास कर दे रहा हूँ। तो वो दो वेरिएबल ऐड होके तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो रिजल्ट तुम्हारा स्क्रीन में शो कर जाएगा, ठीक है। तुम चाहे तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, बाद में मैं लिखा दूंगा, अभी जस्ट मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्या होता है, देखते हैं। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं। तो बोला गया एंटर द फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने बोला 12, ओके करेंगे, एंटर द सेकेंड नंबर, जैसे मैंने बोला 23, ओके करेंगे, और देखो तुम्हारा ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो रिजल्ट 1, 2, 2, 3 आ रहा है, 8 तो नहीं हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। अच्छा 8 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। प्रॉम्प्ट से जब भी हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ठीक है, उसको हम लोग को करना क्या होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक सेकेंड ना, मैं आ रहा हूँ जस्ट वेट। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये तो स्ट्रिंग में आ रहा है, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग एक फिर से एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा PARSE पार्स इंट, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होता है, ये जो वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे PARSE। ये और एक फंक्शन है, मतलब प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर से उस वैल्यू को हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग फिर से एक बार सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। बताओ 12 ओके करते हैं और यहाँ पे करते हैं 23 और ओके। देखो यहाँ पे 35 आ रहा है, तो अभी रिजल्ट सही आ रहा है। तो ये एक जस्ट फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो इसको तुम, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, तुम इस तरह से एक ही लाइन में ना लिखते हुए अलग लाइन में भी लिख सकते हो, अपना मर्जी है। अगर तुमको लाइन तुम्हारा अगर ज़्यादा तुमको लाइन बढ़ाना नहीं है अपना कोडिंग में, तो तुम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में काम यूज़ करना। इसका अलग तरीका क्या है कि अगर तुमको इसको दो लाइन में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, जो भी वैल्यू आएगा, मैंने समझ लो कि जो भी वैल्यू आ रहा है मेरा, इसको मैं यहाँ पे जैसे ये भी, जैसे एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ फटाक से तुम लोगों को, ये जैसे वैल्यू आ गया वाई में आ गया और उसको तुम हाँ अलग से और एक वेरिएबल ले लो जिसका मैंने नाम दे दिया। अच्छा इसका मैंने नाम दिया वाई और ये जो है पहले वाला का मैं नाम दूसरा देता हूँ, मैंने वी कर दिया, मतलब वी कर दिया। और मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, पर्स PAR, ये भी, लेकिन ये लंबा हो जाएगा तरीका। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका वही है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वी इस तरह से, तो मतलब जो वैल्यू आएगा भी में आएगा और भी को तुमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको वाई में असाइन किया, फिर वाई पास कर दिया। तो ये फिर ज़्यादा तुम्हारा कोड बढ़ जाएगा, जरूरत नहीं है, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है वही सही है, तो उस तरह तुम कर सकते हो। ठीक है, एक ही बारे में उसको वैल्यू को लेते हुए तुम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, जो भी हो। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये है कि वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर में हम लोग वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं या तो वेरिएबल पास करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल। अच्छा अभी यहाँ तक तो समझ में आ चुका है हम लोगों को। एंड उसके बाद फंक्शन का हम लोगों ने विदाउट पैरामीटर समझ लिया, फंक्शन विथ पैरामीटर समझ लिया, आर्गुमेंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू पास करना होता है उसको भी समझ लिया, वेरिएबल वेरिएबल का फॉर्म में कैसे वैल्यू पास करना है, मतलब आर्गुमेंट पास करना है, वो भी समझ लिया हम लोगों ने। अभी ये जो नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है वो हो गया रिटर्न फंक्शन, ए फंक्शन दैट रिटर्न विथ रिटर्न रिटर्न वैल्यू, मतलब एक फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न करता हो। ठीक है, तो मैं इसी का ही एग्जांपल ले लूँगा यहाँ पे, इसी का ही मैं एग्जांपल ले लूँगा। चलो मैं इसको पहले बार ठीक कर लेता हूँ, मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, पार्स इंट करता हूँ यहाँ पे फिर से इसको, एंड एंड फिर से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इसको यार ऐसे पार्स इंट। देखो ये फंक्शन अलग अलग हर लैंग्वेज में इस तरह से किसी भी डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, फिलहाल मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। पाइथन में अलग होगा, जावा में तुम अगर दूसरे लैंग्वेज में सी में जाओगे उसके लिए अलग सा फंक्शन नेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मतलब ए फंक्शन दैट रिटर्न्स ए वैल्यू दैट कुछ वो जो कि कोई करता है कुछ रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब क्या, मैं जब समझा रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि समझ लो ये जो फंक्शन है यहाँ पे इसने किया कि डायरेक्ट ये फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड ना किया जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड ना किया जाए, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ पे क्या किया जाए, जस्ट कैलकुलेशन किया जाए और जो रिजल्ट होगा वो मैं सेंड कर दूंगा किसी और को, जो भी रिजल्ट होगा प्रिंट नहीं कराऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो राइट कराया था, मतलब यहीं पे मैंने फंक्शन के अंदर ही मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट ना हो, प्रिंट मैं बाहर करूँगा, लेकिन जस्ट उसका जो रिजल्ट है वो मुझे सेंड करवाना है, रिटर्न करवाना है। रिटर्न करने का मतलब क्या, मैं समझा रहा हूँ अभी देखो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एप्लीकेशन जैसे समझ लो, मैंने यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया समझ लो मैथ। ठीक है, मैंने तीन वेरिएबल लिए, पहले मैथ, उसके बाद मैंने ले लिया साइंस, समझ लो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने ले लिया क्या लूँ मैं, मैथ साइंस और फिजिक्स समझ लो। ठीक है, इसको साइंस ना लिखते हुए, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छा साइंस यहाँ पे एक्चुअली साइंस तो होता नहीं है, चलो मैं यहाँ पे इसको ये मैं ठीक है ये मैं करता हूँ, चलो इंग्लिश का दिया, हाँ ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल ले लिया, मैं एक एप्लीकेशन में एक प्रोग्राम बनाऊंगा, मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे मैं हम क्या करेंगे, यूज़र को उसका टोटल मतलब उसका जो परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज कितना होगा वो मुझे उसको शो करवाना है, उसका मैथ्स इंग्लिश और फिजिक्स में उसको कितना मार्क मिला है उसमें से उसका टोटल परसेंटेज कितना होगा मुझे उसको शो करवाना है। ठीक है,
तो यूजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट और यूजिंग रिटर्न वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो तो चलो यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू ले लिया और तीनों को मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट इसका मैसेज अलग कर देना, एंटर द नंबर, एंटर द यहाँ पे फर्स्ट ना लिखते हुए एंटर द मैथ, इस तरह से लिख दो तुम, जस्ट समझ में आना चाहिए, एंटर द मैथ नंबर, एंटर द इंग्लिश नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एंटर द तुम्हारा क्या ये फिजिक्स नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को पास कर देंगे, कौन सा तीनों को पास करेंगे, ये मैथ क्योंकि वेरिएबल हो गया, उसके बाद ENG और उसके बाद PHY फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे तीन वेरिएबल लेना होगा, ABC मैंने ले लिया क्योंकि तीन वैल्यू पास होगा तो तीन वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा एज ए पैरामीटर का फॉर्म में। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो पहले तो मैं मुझे उसका परसेंटेज बोलना है, तो परसेंटेज बोलने से पहले मुझे तीनों वैल्यू का ऐड करना होगा, तो मैं तीनों वैल्यू को ऐड करने के लिए मैंने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेने के बाद मैंने ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया, क्या A+B+C तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, A+B+C, और जो भी रिजल्ट होगा, अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे फिर से और एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं और एक वेरिएबल मैंने ले लिया समझ लो, और इसका मैंने नाम दे दिया परसेंट, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया, इस वेरिएबल का मैंने नाम दिया परसेंट, और इस वेरिएबल का मैंने नाम क्या दिया परसेंट। एंड फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितना है, जेड तीन है, तो समझ लो तीनों में टोटल मार्क, पार सब्जेक्ट में टोटल मार्क हो गया 100, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जेड इंटू क्या करेंगे, तो 100 से कितना होगा, और सॉरी ये टोटल डिवाइडेड बाई 300 होगा, एंड तुम लोग को शायद पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई 300 और मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, तो उसमें से परसेंटेज आ जाएगा इसका, ठीक है, ये टोटल वैल्यू है टोटल डिवाइड बाई 300, क्योंकि पार सब्जेक्ट में 100 अगर टोटल 100 मार्क होगा टोटल, तो टोटल तीनों मिला के टोटल मार्क कितना होगा, टोटल मार्क होगा 300, और उसको कितना मिला, जेड मिला, और तो डिवाइड करते हुए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा परसेंटेज, और ये जो परसेंटेज है यही मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, प्रिंट नहीं कराऊंगा, देखो मैं रिटर्न कर दूंगा, RETURN रिटर्न, मैं क्या करूंगा यहाँ पे परसेंट को मैं क्या कर दूंगा रिटर्न। एक तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में अभी आ जाएगा, ये मैंने एक बड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा मैंने बड़ा सा मतलब एप्लीकेशन एग्जांपल ले लिया, लेकिन तुम छोटा एग्जांपल में इसको कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे और एक थोड़ा इसको थोड़ा मैंने लंबा कर दिया प्रोसेस को, ताकि तुमको इसके ऊपर तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट हो जाए। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जस्ट परसेंटेज को निकालता है, ठीक है, तो फंक्शन क्या करेगा, तीनों वैल्यू को फंक्शन को पास कर देंगे, तीनों सब्जेक्ट का वैल्यू, और फंक्शन उसका परसेंटेज निकालेगा, और उसको क्या करेगा, रिटर्न, हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको रिटर्न, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, और उसके बाद रिटर्न में तुम वेरिएबल भी पास कर सकते हो और वैल्यू भी पास कर, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में जो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है, और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसको यहाँ वो वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जहाँ से कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन ये वैल्यू मतलब वही परसेंटेज में एक वेरिएबल है, उसमें एक भैसा में वैल्यू स्टोर्ड है, तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, जहाँ पे कॉल हो रहा है वहीं पे वो वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, चलो रिजल्ट। एंड तो इसका मतलब क्या है, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू कॉल होते ही ये इसने क्या कर दिया, कैलकुलेशन करते हुए इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके मतलब यहाँ पे आएगा, और उस वैल्यू को यहाँ पे तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रखना होगा, मैंने कहाँ पे रखा उसको, रिजल्ट नाम का एक थर्ड वेरिएबल और एक मैंने वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि वो जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको मैं यहीं से प्रिंट करा दूँ, यहीं से मैं उसको प्रिंट करा दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा दूँ, ठीक है, मैंने बोला कि योर मैंने बोला जैसे इसे लिख दो योर परसेंटेज, ठीक है, योर परसेंट लिखता हूँ मैं सिंपली छोटा फॉर्म में योर परसेंट। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कैटेनेशन लगाते हुए क्या पास कर देंगे, रिजल्ट को लिख देंगे, चलो ये हो गया। तो ये हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये तो मैं जस्ट मैं एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन हम लोग समझ रहे थे रिटर्न का कॉन्सेप्ट। तो वैल्यू तुम चाहे तो इसको डायरेक्ट ये यहाँ पे ना लिखते हुए इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के, रिटर्न से क्या होता है, रिटर्न से ये वैल्यू जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर रहा है, और जो परसेंटेज उसको रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और उसको हम लोग फिर से नया कोई दूसरा वेरिएबल में उसको असाइन कर रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या करा दे रहे हैं, मतलब ब्राउज़र में शो करवा रहे हैं। चलो इसको रन करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो रन करके देखते हैं। तो तीनों मतलब सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा पूछा जाएगा मार्क, तो मैंने बोला पहले में 90 मिला, ओके करते हैं, सेकेंड में भी 90 मिला, ओके करते हैं, थर्ड में भी 90 मिला, ओके करते हैं, और योर परसेंटेज 90 एकदम सही आ रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों में 90 मिल जाए तो परसेंटेज 90 होगा ना,
तो ये सही आंसर आ रहा है। तो चलो जो भी हो, ये तो आंसर जो भी हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ में आना है कि रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट। तो रिटर्न क्या होता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है तुमको। ये तुम इसको इस तरह से देखो, रिटर्न अगर नहीं लिखते हो, तुम ये सभी कर सकते हो कि रिटर्न अगर तुमको लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको फिर से मैंने यहाँ से समझ लो, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट करने के बाद इसको तुम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो जरूरी नहीं कि रिटर्न करना है, लेकिन जस्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे भी कर सकते हो। ये काम तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, आंसर को तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा रिजल्ट कहाँ पे है? रिजल्ट तो ये नहीं, मैं मुझे तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ फिलहाल मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? परसेंट लिखना है, क्योंकि रिजल्ट तो यही है ना, परसेंट लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और इसका भी अभी कोई इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिटर्न होगा भी नहीं, तो रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा भी नहीं, और वैल्यू अगर आएगा नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट पे कोई वैल्यू ऐसा ही नहीं होगा भी नहीं, तो इसको इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। तो चलो, और फिर इसको भी हम लोग रन करेंगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट वही आएगा। देखो मतलब एप्लीकेशन तुम्हारा जो, जैसे मैं इस बार कोई दूसरा वैल्यू ऐसा करता जैसे 80 करता हूँ, सेकेंड में भी 80 मिला और थर्ड में भी क्या मिला, 80 मिला, तो परसेंट 80। तो बात एक ही है, जस्ट रिटर्न को समझना है हम लोग को। रिटर्न तो रिटर्न करने से यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। तो ये हो गया बात फंक्शंस का, ठीक है। और ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, इतना तक तुम लोग समझो, प्रैक्टिस करो, और चाहे तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है तुम लोग के लिए। अच्छा, फिलहाल मैंने तुम लोग को लास्ट और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी शायद समझ में होगा भी नहीं, चलो वो मैं अगला क्लास में समझाऊंगा। तो आज यहीं पे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ चुका है टाइम रेस्ट्रिक्शन का, तो यहाँ तक आज रहने दो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का हो गया फंक्शंस का टॉपिक, ठीक हो गया। किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई डाउट है? नहीं है।